हाय स्नेहा अच्छा भाई भाई गुमनाम इंसान अपना नाम तो बता दो भाई आप लीडर पोर्ट पे आ रहे हो तो आपका नाम जानकर बड़ी खुशी होगी हमें यहाँ पे हेलो मयंक हाय कमल हेलो आरुषि हाय आर्श हाय पवनी हेलो हेलो आद्या हेलो इशिका ओके चलिए जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर वन का सेशन यहाँ पे लेकर आए हैं लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर वन के ब्रीफ क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी थी जहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर वन जो कि है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप यहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हो और साथ ही साथ जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को काफी किताबों में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है याद रखना दोनों वन एंड द सेम है

इंपोर्टेंस को significance भी कहा जाता है बोलोगे आपका सेम रहेगा उसके अलावा हम management देखेंगे management को तीन important यहां पे प्रिंसिपल से कंपेयर किया गया है मैनेजमेंट एज साइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हमें ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट साइंस से मिलता जुलता है आर्ट से मिलता जुलता है प्रोफेशन से मिलता जुलता है या फिर तीनों से कैसे देखेंगे आपको यहाँ पे पढ़ाते वक्त बता दूंगी साथ ही साथ आज एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफी बच्चे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वैसे तो हम हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करते लास्ट लेक्चर में देना बट इतने रिक्वेस्ट और एक्साइटमेंट और ये बच्चों की प्यारी प्यारी स्माइल देखकर यार दिल पे घल गया तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस सेशन के बाद आपको नोट्स के साथ साथ चैप्टर नंबर वन के हैंड रिटन नोट्स की भी कॉपी यहाँ पे दी जाए तो जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा नोट्स के साथ-साथ आपको हैंड रिटन नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर वन यहां पे अटैच होके मिल जाएंगे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और अपने नोट्स कैसे बना सकते हो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आई हूं बहुत ही जल्द हमारे youtube चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा हाउ टू मेक नोट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ठीक है तो नोट्स कैसे बनाना है नोट्स कैसे टेक डाउन करना है नोट्स में क्या करना है ये भी जो डाउट है मेरे दोस्त क्लियर हो जाएगा मैं हमेशा कहती हूं आप पूछो हम बताएंगे तो आप सवाल करो जवाब लेकर हम हमेशा हाजिर दिल रहेंगे मेरे दोस्त ठीक है तो यहाँ पे भाई पलटन के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं याद रखना पलटन के लिए जान हाजिर है तो ये तो छोटे मोटे सवाल वीडियोस है, है कि रही चलिए तो आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का नेचर जो कि हम कंपैरिजन करेंगे साइंस एंड से से प्रोफेशन नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर के लिए रखता है है ठीक शुरू करने से पहले जैसे मैंने वादा किया था हर लेक्चर में जो भी होमवर्क दूंगी होमवर्क का सोलूशन क्लास में कराऊंगी क्योंकि आपने होमवर्क करा अच्छा मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा चीटिंग नहीं मेरे दोस्त अच्छा सच बताओ कितने बच्चों ने यहाँ पे होमवर्क कराए जो भी बच्चा है ना जिन्होंने होमवर्क कराया वो चैट सेक्शन को यार यहाँ पे दिल से भर देना ठीक है और जिन्होंने भी होमवर्क यहाँ पे नहीं करा है ना वो चैट सेक्शन को यहाँ पे क्रॉस से भर देना ठीक है तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ईमानदारी से होमवर्क करके आए हैं और कितने नहीं याद रखना झूठ बल्ले कौआ काटे तो झूठी बल्ला ठीक है।, है जल्दी बताइए चिंकू बाबू कौटिल्य प्रो में जो क्लासेस है वो वीडियोस आपको कौटिल्य 2025 में ही दिखेंगे तो आपको जो वीडियो अगर देखना है लाइव लेक्चर देखना है तो आपको कौटिल्य 2025 के बैच में ही उसका एक्सेस है ठीक है प्रो में सिर्फ जो प्रो वाले एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर है चलिए भाई तो मुझे ना बहुत सारा यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्रॉस कम होते जाए और जहां पे जो दिल है हम ज्यादा बरसाते जाए होमवर्क करोगे तो केस 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 स्टडीज 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 की होगी, की प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी होगी तो आगे जाके के नहीं होगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मात्रा बढ़ा दी गई है इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चांस होगा अच्छे मार्क्स लाने का एक ही क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ फाइव मिनट्स का होमवर्क उससे ज्यादा नहीं कर कर नेक्स्ट टाइम से आना है बाकी होमवर्क का सोल्यूशन कराने है चलिए हम साथ मिलकर यहाँ पे होमवर्क करते हैं जो बच्चों ने यहाँ पे नहीं करा है नेक्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे दिल ज्यादा बरसने चाहिए ठीक है चलिए क्वेश्चन कहता है सबसे पहले आपको हमेशा मेन क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद सब क्वेश्चन को ऊपर जाना है ठीक है क्वेश्चन कहता है इस शिक्षा एफिशियंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीसीडिंग केस

लेकिन उसको टारगेट पूरा करने के लिए यहाँ पे एडिशनल पांच दिन लग गए उसको टारगेट पूरा करने के लिए टोटल थर्टी डेज यहाँ पे लगे मतलब मेरे को जो टाइम पीरियड मिला उसके बाद मेरा टारगेट पूरा हुआ टाइम पे नहीं हुआ डिले हुआ इसका मतलब ये तो है कि शी इज नॉट इफेक्टिव ठीक है बट मेरे क्वेश्चन में इफेक्टिव पूछा ही नहीं है पूछा है क्या शिक्षा इफिशियंट है तो जी हाँ वो एफिशिएंट है उसने टारगेट डिले क्यों किया उसको तीस दिन क्यों लगा क्योंकि अगर उसको टारगेट पच्चीस दिन में करना था तो उसको वर्कर से ओवरटाइम कराना पड़ता मतलब जितने आर्स वर्कर काम करते उससे ज्यादा कराना पड़ता ओवर टाइम कराती तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता एक्स्ट्रा पैसा देती तो कॉस्ट जो है दो सौ रुपए से बढ़ जाता मतलब कॉस्ट जो है दो हजार सात सौ रुपए यहाँ पे पहुंच जाता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उससे टाइम पे भले ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया बट उसने जो यहाँ पे कॉस्ट है ये मिनिमम कॉस्ट को यहाँ पे मेंटेन करा है ठीक है तो ऐसे केस में आपका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा आप कहोगे कि इन द केस इन द केस शिक्षा इज एफिशिएंट बिकॉज ये बोला है कि आपको रेलेवेंट उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि आप क्यों बोल रहे हो वे एफिशियंट है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है बिकॉज She completed the target of producing fifteen hundred jackets within the given cost limit. Of two thousand five hundred rupees per jacket, and efficiency always focuses on completing the task at minimum. कॉस्ट, ठीक है ऐसे की स्टडी जनरली थ्री टू फोर मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे आती का सही आना जितना जरूरी है उतना ही वो क्वेश्चन को प्रॉपर वर्ड में यहाँ पे पुट डाउन करना जरूरी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और आपको यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन आया होगा ठीक है चलिए आगे जाते हैं बेटा फिर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है इंपोर्टेंस जिसको आप सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे कह सकते हो बट सबसे पहले देखते हैं कि भाई मेरी जो यहाँ पे पलटन है पलटन का जोश चेक तो करा ही नहीं तो जल्दी से बताना है चेक चेक हाउ चे, इज द जोश जल्दी से जल्दी भाई कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि अगर क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करना है तो जोश तो सुपर हाई चाहिए या मोस्ट वेलकम साक्षी क्या बात है तो सुपर है जो के साथ अब करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत अगर मैं कहती हूं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छा सबसे बड़ी दुविधा ना क्लास ट्वेल्थ में ये होती है कि फीचर्स और इंपोर्टेंस ठीक है दोनों क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर पढ़े इंपोर्टेंस हम ये लेक्चर पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में ना मतलब उसके बाद के लेक्चर में ये समझ नहीं? ताकि कौन सा पॉइंट फीचर का था कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंस का था आपको क्वेश्चन का जो मतलब स्टार्टअप है।, तो एक, एक है, है और आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखो या फिर जैसे चलता है मतलब आज की सोचो कल की छोड़ो वाला बिजनेस यहाँ पे करो छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं दूध की डेयरी है पानीपुरी वाला है वो मैनेजमेंट करता है पर इतना टॉप लेवल अभी उनके पास थोड़ी सीईओ सी एफ ओ होता है नहीं होता ना तो आप वो लेवल पे बिजनेस को करो ठीक है क्यों हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट क्यों हम कहते हैं कि मैनेजमेंट बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा मैनेजमेंट है तो बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा नहीं अच्छा है तो फेलियर होगा अगर मेरे बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा ये आपको यहाँ पे सोचना है जमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट यहाँ पे ध्यान में आएंगे मैं कहती कि मेरे में अगर मैनेजमेंट है तो business, मैं अपने कंपनी के जो भी गोल्स है या तो मेरी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है मैं उसको अचीव कर पाऊंगी अब आप पूछोगे मैम कैसे अच्छा मैनेजमेंट है तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे कैसे मैनेजमेंट का काम क्या है मैनेजमेंट का काम क्या है तो हम कहते हैं हमने बहुत ही सिंपल एक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट यहां पर सीखा था हम कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवलीफिशली बराबर हमने क्या पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स एंड फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली तो मानके चलिए आज मेरे कंपनी का गोल है मैं कहती हूं कि मुझे मेरी कंपनी की एक साल के अंदर और एक ब्रांच यहाँ पे ओपन करनी है ठीक है ये ये मैंने गोल गोल पे सेट करा अचीव करने के लिए कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है सभी लोग जब उस गोल की तरफ काम करेंगे जब हर एक डिपार्टमेंट वो गोल के ऊपर फोकस करके काम करेगा तब जाकर वो गोल अचीव होगा तो कौन ये ध्यान देगा कि सारे वर्कर्स गोल की तरफ काम कर रहा है कौन ये ध्यान देगा कि वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी है काम करते वक्त रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे काम को समय पे पूरा कर रहे ये कौन देखेगा तो ये देखने का काम या ये ध्यान रखने का काम या ये इंश्योर करने का काम कि वर्कर्स गोल की तरफ काम कर रहे हैं वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं वर्कर्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं ये काम किसका होता है तो ये काम आपके मैनेजर्स का होता है और मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे एंप्लॉयज ओनली द द गोल्स ऑफ़ कंपनी काम करे गोल्स को ध्यान में रखते हुए काम करें हर काम जो है इंश्योर करते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा ये बढ़ जाता है और इसीलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वरना कंपनी में अगर हम गोल्स सेट करेंगे वो गोल्स अचीव करवाने वाला अगर नहीं होगा तो ये गोल्स शायद हमारे अचीव ना हो ठीक है तो इसीलिए बेटा मैनेजमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है ठीक है सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी अच्छा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी कैसे एक सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेता है

लेकिन बी जो वर्कर है बिकॉज एक्सपीरियंस था तो उसने जब शर्ट की कटिंग शुरू करी तो एकदम कॉर्नर कॉर्नर से करी और इसीलिए उसने ये जो पांच मीटर कपड़ा था उसमें एक नहीं बल्कि दो शर्ट्स यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे ये कम रिसोर्सेस में मतलब उतने ही रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट बनाना जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि कपड़े की कीमत सौ रुपए थी ठीक है दोनों सेम कपड़ा है तो दोनों की कीमत सेम होगी यहाँ पे मैंने एक शर्ट बनाया सौ रुपए में यहाँ पे मैंने सौ रुपए में दो शर्ट्स बनाए मतलब एक शर्ट की कीमत पचास रुपए हो गई ठीक है तो इसी को तो कहते हैं ना एफिशिएंसी कि भाई रिसोर्सेस का ऐसे इस्तेमाल करो कि थोड़ा भी रिसोर्स वेस्ट ना हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो लेकिन ये वर्कर्स को कौन सिखाएगा और कौन बताएगा कौन वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है कौन वर्कर्स को कहता है कि रिसोर्सेस कैसे इस्तेमाल करना है कौन वर्कर्स को कहता है कि कम से कम एक कपड़े में दो शर्ट बनना चाहिए कौन करता है ये आपका मैनेजमेंट करता है मैनेजमेंट का काम होता है वर्कर्स को बताना कि रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है किस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करनी है कैसे कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट लाना है वर्कर्स को ट्रेन करना ये चीजें बताना और यहाँ पे रिसोर्सेस का मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूज यहाँ पे देखना ये सारी चीजें मैनेजमेंट का काम यहाँ पे होता है मैनेजमेंट डिफरेंट फंक्शंस, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डिरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये परफॉर्मिंग इसीलिए करते हैं सो दैट हम रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस करे और कोशिश करे कि कंपनी में कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट बने जिससे कंपनी का जो मुनाफा है प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो देखो बेटा इसका ना बेस्ट एग्जाम्पल हमारे घर के किचन से अच्छा कुछ नहीं होता किचन में जो वेस्ट चीजें है उसको रिसाइकल करना या रीयूज करना ना ये कोई मम्मी से सीखे अब हमारे किचन में सब में सबके घर रोज चाय जरूर बनती होगी घर में कोई ना कोई होता है जिसको सुबह उठते ही आंखें खुलने के लिए चाय चाहिए अब मेरे घर में वो इंसान मैं और मेरे पापा है ठीक है तो हमें सुबह सुबह उठते यहाँ पे चाय चाहिए चाय बनाते हैं चाय पत्ती जो होती है चाय उबलने के बाद चाय छान के चाय पत्ती को हम लेके डालते हैं डस्टबिन में मेरी मम्मी ना बाबा ना ये चाय पत्ती को वॉश करके साइड में रख देती है पेड़ में पानी डालते वक्त मिट्टी में डाल देती है खाद बन जाता है अच्छा घर पे जब भी गुलाब जामुन बनता है तो उसमें से हम गुलाब जामुन तो खा लेते हैं बची हुई जो शुगर सिरप है जिसको हम चाशनी कहते हैं वो हम फेंक देते हैं लेकिन मेरी मम्मी वही चाशनी में आटा डालकर यहाँ पे शक्कर पारे बनाती है या तो फिर आटे में यहाँ पे खजूर और इमली डालकर यहाँ पे मीठी चटनी बनाती है तो कहने का मतलब क्या है इसी को कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है जिसके पास उतना नॉलेज है और इससे हम कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट लाके कंपनी का कॉस्ट यहां पे रेड्यूस कर सकते हैं क्लियर है, है? चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट ओके आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर माय मदर इज एफिशिएंट बट मी एंड माय फादर आर नॉट बेटा दिन में अगर आप हर दिन में एक से दो घंटा किचन में बिताओगे ना तो वो जो एक्सपीरियंस है ना उससे एफिशिएंसी आती है ये चीज़ याद रखना तो भाई एक्सपीरियंस का खेल है सब कुछ पटे पुराने कपड़ों का पोछा इस कंपलसरी जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने ओके चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्या है तो दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक का मतलब क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं डायनामिक का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायनामिक का मतलब क्या होता है तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ठीक है एक सिंपल से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ ये समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ मोबाइल फोन्स या तो हम कह सकते हैं सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ठीक है मोबाइल फोन से ना मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है बहुत ही अर्ली डेज में जब मोबाइल फोन बहुत नया था मार्केट में तभी मेरे घर में मोबाइल फोन आ चुका था तो मैंने ना आप कह सकते हो मोबाइल फोन के जन्म से लेके अभी तक जो उसका परिवर्तन हुआ ना सारे फोन को मैंने बहुत अच्छे से देखा है परखा है सब कुछ किया है शुरुआत में जब मोबाइल फोन आए थे मुझे आज भी याद है पहली बार मेरे पापा घर पे मोटोरोला का मोबाइल फोन लेकर आए थे तभी मोबाइल फोन मतलब फोन पे बात हो सकती है और उसमें तार नहीं कहीं पे भी जाकर आप फोन में बात कर सकते हो बहुत बड़ी बात थी ऑब्वियसली फोन महंगे थे उसमें जो कॉलिंग थी इनकमिंग का भी तभी चार्ज लगता था ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे ना इस तरीके से ब्लैक कलर का फोन हुआ करता था यहाँ पे ऐसी छोटी कलर की ग्रीनिश येल्लो स्क्रीन थी और यहाँ पे उसका एंटीना था इस तरीके से टिपिकल मोबाइल फोन हमारे घर पे यहाँ पे आया था मोटेरोला का मोबाइल फोन था धीरे 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 मोबाइल में परिवर्तन आया उसके बाद नोकिया मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया तो जब नोकिया के फोन आए तो नोकिया के फोन थोड़े ऐसे बड़े हो गए ऐसी स्क्रीन थी यहाँ पे उसका की था, थोड़ा सा कलरफुल आया फिर उसके बाद कैमरा वाले फोन आ गए कैमरा फोन्स के बाद यहाँ पे कोटी की वाले ब्लैकबेरी का जमाना आया ठीक है ब्लैकबेरी फोन्स के बाद धीरे धीरे टच स्क्रीन का जमाना आया फिर टच स्क्रीन के साथ साथ कोटी की प्लस टच स्क्रीन मेरे पास था नोकिया का सी सेवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिसमें ऐसे स्क्रीन है, ऐसे है, फ्लिप करोगे तो नीचे लैपटॉप खुल जाता था।, उसके बाद एक फोन था मेरे पास का, ऐसे नीचे से कैमरा फोन, फोन से कैमरा लेकर वो ब्लैकबेरी का पैड जहाँ पे एकदम तो लग्जरी फीलिंग आती थी उसके बाद वो कैमरा ऐसे 360 डिग्री ऐसे घूमने वाला ठीक है उसके बाद यहाँ पे ऐसे लैपटॉप की तरह से गेमिंग की तरह से फोन खुलने वाला बहुत हमने देखा है फुल टच स्क्रीन फोन मेरे पास जो पहला था दैट वॉज मोटोरोला ठीक है उसके बाद नोकिया के टच स्क्रीन फोन यहाँ पे आने लगे फिर सैमसंग मार्केट में आया फिर आईफोन एप्पल आने के बाद गेम चेंजर हो गया फोन्स पहले बहुत बल्कि थे जितनी हैवी बैटरी उतना ज्यादा वजन अब ये फोन लाइट वेट हो गए एक कैमरा से दो कैमरा दो कैमरा से तीन कैमरा वो दिन अब दूर नहीं है जब मोबाइल फोन के पीछे की पूरी स्क्रीन बस कैमरा यहाँ पे बन जाएगी है ना पहले बारिश में हम कॉलेज जाते थे फोन लेकर जाते थे तो ऐसे एक रैपर दूसरा रैपर तीसरा रैपर ऐसे रैपर चढ़ा 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 के फोन हम लेकर जाते थे ठीक है और अब आई सिक्सटी सेवन रेटिंग यहाँ पे बारिश में भी फोन इतना भीगता है या थोड़ा बहुत स्प्लैश होता है तो उसमें कुछ होता नहीं है ये एक रेवोल्यूशन आया अब लेटेस्ट से कि आपकी एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शुरुआत से है जैसे नोकिया सैमसंग मोटोरोला बहुत पुराने प्लेयर्स इन द मार्केट है जिन्होंने ग्रीन फोन से लेकर अपना मार्केट शुरू किया था ऐसे केस में जब बदलाव आते जाता है जब मोबाइल फोन जिसमें इनकमिंग के पैसे लगते थे से 2G से 3G से 4G से 5G बनते जाता है अगर आपकी कंपनी नहीं बदलेगी क्या चलेगा अच्छा आज आपके फोन में तीन बिंदिया नहीं है ना मतलब तीन कैमरा नहीं है ना कोई खरीदता नहीं है आज आपका फोन अगर दिखने में एकदम ढासू नहीं है ना कोई खरीदता नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट फोन से ना लोग परेशान हो चुके हैं आज लोगों को चाहिए से रंगीन दुनिया तो आपके फोन से रंगीन नहीं है ना तो कोई खरीदता नहीं है अगर आपको मार्केट में टिकना है तो बदलती दुनिया और बदलती सेलफोन मार्केट के मुताबिक आपको आपकी कंपनी में फोन बदलाव लाना पड़ेगा लेकिन क्या ये बदलाव लाना आसान है? जब भी नया फोन आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखना पड़ता है वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ता है वर्कर्स को यहाँ पे मेहनत कर सीख कर ट्रायल एरर कर यहाँ पे चीजों को करना पड़ता है क्या ये आसान है नहीं शुरुआत में वर्कर्स भी सोचते हैं क्या यार धत्तेरे की रोज कुछ नया आता है रोज कुछ नया सीखो परेशान हो जाते हैं जी हाँ, कारण है इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है मैनेजमेंट का काम है ये वर्कर्स को कन्विंस करना कि क्यों बदलती चीजों के साथ आपको बदलना जरूरी है क्यों अपने आप को अपडेट करना जरूरी है जी हाँ वो टाइम था जब अगर किसी सब्जी वाले के पास मोबाइल होता था ना तो आधे मोहल्ले को पता होता था वो सब्जी वाला ना वो हाँ सुरेश उसके पास मोबाइल है और अब देखो भाई मोबाइल फोन अगर नहीं होता ना तो अब मोहल्ले को पता चलता है कि इसके पास मोबाइल नहीं है बदलती दुनिया के साथ आपको बदलना आपको अपडेटेड रहना जरूरी है मैनेजमेंट का काम होता है वर्कर्स को कन्विंस करना कि भाई टेक्नोलॉजी बदली तो आपको बदलना होगा आपको ये सीखना होगा क्यों ये जरूरी है एम्प्लॉय को कन्विंस करना और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करे क्योंकि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हो आप मार्केट में कंपटीशन टिक नहीं पाओगे जैसे नोकिया नहीं टिक पाया, जैसे मोटरोला नहीं टिक पाया, और आप कंपटीशन से यहां पे बाहर हो जाओगे इसलिए चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट होना अपने आप को बदलना और ये करवाना मैनेजमेंट का काम है इसीलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट ओके ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बेटा यहां पे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ग्रुप गोल्स या ग्रुप ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिफरेंस क्या होता है जब मैं कहती हूं पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसका मतलब होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंप्लॉइज ऑफ द कंपनी लेटेस्ट कि कल उठ के आपको एक में नौकरी कर रहे हो दिन रात आप कर रहे हो कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए बट आपके खुद के भी कुछ गोल्स होंगे होंगे तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव या तो पर्सनल गोल्स इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले तो फॉर एग्जाम्पल आपका गोल हो सकता है इंक्रीज इन सैलरी आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रमोशन आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है लर्निंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज इनमें से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है देखो बेटा हर एक एम्प्लॉय की जरूरत अलग है हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अलग है काफी बार हम कहीं पे काम करते हैं चीजों को सीखने के लिए जैसे अगर आप नए नए कोई भी कंपनी में काम करते हो फर्स्ट फोस्टिंग होता है कि आपको चीजों को सीखना है समझना है नॉलेज एंड स्किल्स यहाँ पे गेन करनी है एक बार आप चीजों को सीख जाते हो फिर आप सोचते हो कि भाई मुझे ऐसा काम चाहिए जहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी मिले तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज्यादा सैलरी अर्न करनी है आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए

जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एम्प्लॉय के पर्सनल अचीव करने में उनकी मदद करें लिख कर ले लीजिए अ गुड मैनेजमेंट इज द वन दैट फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय विथ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ये जरूरी है बट साथ ही साथ मेरे एम्प्लॉय के पर्सनल क्या है उनको कैसे वो अचीव कर सकते हैं उनकी मदद करना है एक एग्जाम्पल लेते हैं साइज को समझने के लिए लेटेस्ट है कि मेरे अंडर एक असिस्टेंट है जिसका नाम है यहाँ पे रमेश मेरे अंडर एक असिस्टेंट है जिसका नाम है यहाँ पे रमेश रमेश पिछले दो साल से मेरे कंपनी में काम कर रहा है वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉज है उसको एक हायर पोजीशन या तो एक हायर अथॉरिटी कंपनी में दी जाए तो मैंने रमेश को कहा कि ठीक है ये आपका पर्सनल गोल है कि आपको प्रमोशन चाहिए और एक हायर पोजीशन इन द कंपनी चाहिए ये करने के लिए एक काम करती हूँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देती हूँ एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है कंपनी में जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ही प्रमोशन जरूर देंगे यहां पे मैंने कंपनी का जो गोल था ऑब्जेक्टिव था एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया था जिसको सही समय पे सही तरीके से कंप्लीट करना था वो भी करा और अगर रमेश वो करता है तो रमेश का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था जिसको प्रमोशन चाहिए वो भी फुलफिल करा एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के साथ एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद करे दोनों होना चाहिए किसी भी एक के ऊपर फोकस करोगे तो गलत हो ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल्स और द्लॉय इन अचीविंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इनमें से कुछ भी या इसके अलावा भी कुछ भी यहां पे हो सकते हैं क्लियर है बेटा चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंस पॉइंट इंपोर्टेंस क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट में मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है पहली चीज तो ये समझो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी का मतलब होता है बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ठीक है हमारी सोसाइटी में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स अगर मैं लिस्ट डाउन करूं एक प्रॉब्लम है यहाँ पे गरीबी हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए कई जगहों पे हमारे यहाँ पे गरीबी ज्यादा है ठीक है उसके अलावा दूसरा एक प्रेसिंग इशू है हमारे देश में जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट जो एक कारण भी है गरीबी का कि लोगों के पास काम नहीं है नौकरी नहीं है रोजगार नहीं है कमा नहीं पाते तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी यहाँ पे पूरी नहीं कर पाते आज के दिन में एक प्रॉब्लम जो हम में से सभी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं जिसका इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर है वो है पल्यूशन क्या है तो पल्यूशन आज ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेटिक चेंजेस खाना पीना महंगा होना बिन मौसम बारिश होना ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्यों हो रहा है तो ये है पल्यूशन ये हमारी सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे है अब बिजनेस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे मदद करता है तो हमारे यहाँ पे गरीबी है गरीबी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है बेरोजगारी लोगों के पास यहाँ पे रोजगार नहीं है तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस यहाँ पे लोगों को अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है लोगों को नौकरियां देता है लोगों को रोजगार देता है जिसके कारण लोग काम कर पाते हैं जिसके कारण लोगों को कमाने का मौका मिलता है जिसके कारण लोग यहाँ पे ऑन कर पाते हैं इसी के वजह से गरीबी जो है यहां पे कम होती है साथ ही साथ बिजनेसेस यहाँ पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है एट रीजनेबल Prices. आज मार्केट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि आपको इंडिया में बहुत सारी जो चीजें है यहाँ पे सस्ती अफोर्डेबल पे मिल जाती है जिससे यहाँ पे लिमिटेड इनकम वाले लोग भी इन चीजों को आसानी से खरीद सके उसके अलावा अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं आजकल बिजनेस में अवेयरनेस होने के कारण बहुत सारे बिजनेस जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल में पोल्यूशन रिडक्शन में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो सोलार एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हो आज गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मिलकर सोलार एनर्जी और उसके एक्सपांशन के ऊपर लगे हुए हैं जिससे हम एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करके कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्शन को सॉरी पोल्यूशन को यहाँ पे कम कर सके ठीक है तो ये कुछ तरीके हैं जिससे बिजनेस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या एटलीस्ट उसको कम करने में मदद करता है इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस सोसाइटी के लिए उसके बीइंग उसके डेवलपमेंट के लिए भी यहां पे इंपॉर्टेंट है नई से नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करना लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना हाई एंड टेक्नोलॉजी देना ये सभी बिजनेस के वजह से यहाँ पे पॉसिबल बिजनेस बनाता है तभी हमें मिल पाता है तभी हम उसको यहां पे कंज्यूम कर पाते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर बच्चों को कोई भी डाउट है हम उसको यहां पे क्लियर कर ले निधि बेबी ओ -ओ। सर्वाइवर तुम्हारा नाम सर्वाइवर है उम्मीद करती हूँ कि भाई तुम साल और एग्जाम में भी सर्वाइव कर जाओ क्योंकि बाबा और बेबी अगर करते रह जाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए जिंदगी को एक मैदान की तरह समझना पड़ता है जिंदगी में सरवाइव करने के लिए जिंदगी को एक मैदान की तरह समझना पड़ता है जहा पे हर दिन एक जंग है हर दिन एक रेस है यहाँ पे जो दौड़ गया जो सीख गया वो आगे निकल गया यहाँ पे जो बाबा बेबी करता रह गया वो पीछे रह गया तो भाई तुम्हें यहाँ पे बाबा बेबी करना है कि तुम्हें यहाँ पे दौड़ लगानी है चॉइस तुम्हारी है बाकी ठीक है जैसे तुम चाहो ऐसे तो थोड़ी जस्टिन बीबर का गाना हो बेबी बेबी ऐसे थोड़ी फेमस है यार पूजा मैं टीम को जरूर बोलूंगी चेक करने के लिए कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज कर रहे हो प्लीज बता देना ऑब्जेक्टिव एंड नेचर में डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव एज अ मैनेजमेंट आप क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करते हो सोसाइटी या इम्प्लॉइज का वेलबींग well कैसे देखते हो यह बताया जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन से कंपेयर किया गया है ये बताने के लिए कि क्या मैनेजमेंट साइंस आर्ट प्रोफेशन है या नहीं कंपेरिजन विथ three इम्पोर्टेंट parts, ओके okay? चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है मैम नोट्स कैसे बनाए इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक वीडियो मेरा डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है जहाँ पे नोट्स कैसे बनाते हैं सैम्पल कॉपी ऑफ नोट्स के साथ वीडियो बनाया है देखिएगा हंड्रेड परसेंट क्लियर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंस के बाद अगर मैं पूछ रही हूँ कोई डाउट है तो डाउट कहीं और से आ रहे हैं मेरा कहने का मतलब यह था कि इंपॉर्टेंस में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अब यहाँ पे बच्चे तो यहाँ से कहा पहुंच गए कश्मीर टू कन्याकुमारी चलो भाई बिफोर हम कन्याकुमारी पहुंच जाए हम बैक टू लेक्चर यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट पहली चीज नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये मैं आपको यहाँ पे समझा दू नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर मैनेजमेंट को तीन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है सवाल डॉक्टर है? है एक प्रोफेशन है सी एक प्रोफेशन है लॉयर एक प्रोफेशन है डांस म्यूजिक एक आर्ट है यहाँ पे फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एक साइंस है तो मैनेजमेंट किस में आता है

इसके एंड में मुझे कंक्लूजन देना है कि अगर मैनेजमेंट साइंस से मिलता जुलता है अगर मैं कहती हूँ साइंस में जो फीचर्स है सारी मैनेजमेंट में मौजूद है तो मैनेजमेंट साइंस है सिमिलरली मुझे आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करने हैं और प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करने हैं आज के इस लेक्चर में हम दो कंपेरिजन करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस एज एन आर्ट प्रोफेशन का जो कंपैरिजन है ये हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है तो हमें बेसिकली साइंस के फीचर्स और आर्ट्स के फीचर्स यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करने हैं टू अंडरस्टैंड वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस ठीक है सबसे पहला कंपेरिजन हम यहाँ पे करते हैं ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस ठीक है सबसे पहले हम जो कंपेरिजन है यहां हो तो तो जैसे आप कहते हो फिजिक्स साइंस है बायोलॉजी साइंस है केमिस्ट्री साइंस है तो क्यों आप उसको साइंस कहते हो उसमें क्या ऐसे फीचर्स है ये पहले देखना जरूरी है कोई भी चीज को साइंस कहने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि साइंस हमेशा सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है अगर आप केमिस्ट्री देखते हो या केमिस्ट्री का कोई भी आप यहाँ पे कंपाउंड या फॉर्मूला यहाँ पे देखते हो ये कंपाउंड ये फॉर्मूला ये थ्योरीज ये थ्योरम्स ये सारे यूनिवर्सल है हर जगह पे सेम है इसको बनाने के लिए या इसको डिराइव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन के बाद इसको बनाया गया आज हर किताब में जहां पे साइंस पढ़ाया जाता है इन को सेम तरीके से फॉर्मुलट कॉलेज डिग्रीज में पढ़ाया जाता है और साइंस हमेशा एग्जैक्ट होता है ठीक है साइंस हमेशा एग्जैक्ट होता है एक भी कंपाउंड ज्यादा या कम तो साइंस में हो जाती है गुड़ 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 -गर गड़बाड़ जैसे H2O टू ओ इज वॉटर अगर मैंने H को थ्री कर दिया या एच टू ओ के बदले एच टू ओ टू कर दिया तो कंपाउंड चेंज तो वॉटर भी गुड़ गुड गुड़ चेंज तो साइंस ना एग्जैक्ट है उसमें उन्नीस बीस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा इसका यहाँ पे चेंज नहीं होता ठीक है तो हमें देखना है कि क्या ये चीजें मैनेजमेंट के लिए ऊपर भी लागू होती है सबसे पहले फीचर ऑफ साइंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस यहाँ पे कहता है साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आज अगर आप साइंस का कोई भी कोर्स करते हो आज अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो आज अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो आज अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो ठीक है ऐसे किस में साइंस पढ़ने के लिए उसकी किताबें हैं उसके अलग अलग थ्योरीज है उसके अलग अलग थ्योरंग उसके अलग अलग कोर्सेस है अलग अलग कॉलेजेस हैं अलग अलग बैचेस हैं है या नहीं जी हाँ तो अगर मैं कहूँ साइंस तो साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पे बहुत सारे थ्योरीज प्रिंसिपल्स कांसेप्ट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास बुक्स फॉर्मूलास ये सब कुछ यहाँ पे कंपाइल्ड है जिसकी मदद से जिन सोर्स की मदद से यहाँ पे बच्चों को साइंस रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है अब यही चीज मैनेजमेंट में भी है आज अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो तो जैसे क्लास ट्वेल्व की बिजनेस स्टडीज में आप मैनेजमेंट पढ़ते हो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट की भी, भी किताबें है, है जैसे बीबीए है एम बी ए है बी एम एस है एम है ये सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज है तो हम कहते हैं कि साइंस जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो दोनों मैचिंग मैचिंग सेम टू सेम इसीलिए आप कहोगे ये फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्या कहोगे ये फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो पहला फीचर तो टिक टिक हो गया क्योंकि दोनों सेम सेम तो मैनेजमेंट में पहला फीचर प्रेजेंट है साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो फर्स्ट वाला तो एकदम मैच टू मैच हो गया चलिए अब सेकंड फीचर के ऊपर जाते हैं सेकंड फीचर यहाँ पे क्या है सेकंड फीचर कहता है कि साइंस में कोई भी अगर आप प्रिंसिपल कहते हो जैसे हमने बताया द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी जहां पे वो एप्पल ऐसे टूंग गिरता और बनता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी या साइंस का कोई भी मॉलिकुलर फॉर्मूला या कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही थोड़ी बना कोई सोया था और कल उठ के उठा और साइंस का प्रिंसिपल बन गया नहीं साइंस में प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंटेशन या कोई भी थ्योरी बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद उनके रिजल्ट्स डिराइव करने के बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद ये थ्योरम्स ये थ्योरीज ये प्रिंसिपल्स बनाए गए रातों रात नहीं बने भाई बहुत सारा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ बेटा तो मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है चैप्टर नंबर टू ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट

जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना तो एक ऐसे कंट्रोल्ड कंडीशन होती है एक ऐसे स्कूल में हम जाते थे ना ऐसे सबसे मजा आता था साइंस में ना साइंस पढ़ने में नहीं बट साइंस के लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंटेशन करने में ऐसे लेबोरेटरी में गए और ऐसे एक ऐसे बॉटल में ऐसे ही कछुआ है ठीक है फिर एक बॉटल में जो हम आहट वाली सीरियल देखते थे मजा आता है ऐसे एक स्केलेटन लटक रहा होगा ऐसा लगता था वाह कुछ अलग दुनिया में आ गए फिर वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना वो ऐसे कलर चेंज हो गया तो वो एक्साइटमेंट जो एक फीलिंग होती है यस सक्सेस तो ये हमने साइंस के लेबोरेटरीज में करा है बराबर है सब लोग ये जिए है कंट्रोल हाँ। तो कंडीशन होता है सबके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आता है अनलेस आपने कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं किया लेकिन मैनेजमेंट तो इंसानों के साथ डील करता है अच्छा मैनेजमेंट कहता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स तो बच्चे से अगर कुछ करवाना है ना कोई छोटा बच्चा होता है अगर उससे कुछ करवाना है ना तो हम उसको लालच दिखाते हैं एकदम ऐसे जब दो चार साल का बच्चा होता है तो है, हम उसको कहते हैं ये कर ना हम को सरप्राइज देंगे अब मेरी बहन की ना दो जुड़वा बेटी है ट्विंस है तीन साल की अभी होंगी तो उनसे कुछ भी करवाना है ना खाना खाने लगाना है सोने लगाना है मस्ती करिए तो बैठने लगाना है कुछ भी ना तो उनको बस एक ही चीज बोलनी है मैं आपको सरप्राइज दूंगी अच्छा ये बोल दिया ना बस अब आप जो बोलो वो करेंगे लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं कब वो सरप्राइज या चॉकलेट फ्लाइंग चप्पल में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता फिर जब बड़े हो जाता है ना और पढ़ाई नहीं करते है, कुछ करवाना होता है ना तो या तो बेलन आता है या तो कलछी आती है या तो फ्लाइंग चप्पल आता है या तो पापा का ऐसे जीन्स लूज हमेशा होता है तो बेल्ट आता है क्या ही तो कहे कैसे जिंदगी बदल जाती है बट तरीका अलग है कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर और हर व्यक्ति का जो स्वभाव है अलग है हर व्यक्ति के ऊपर जो प्रिंसिपल आप लाओगे वो प्रिंसिपल अलग तरीके से अलग सिचुएशंस में काम करेगा इसके लिए ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट में मौजूद तो है बट पार्शियली क्योंकि यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स है वो हंड्रेड परसेंट एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं होते हैं तो पहला वाला मैचिंग मैचिंग दूसरा वाला थोड़ा 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 मैचिंग मैचिंग अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि है यहां पे, प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी ये यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब क्या इंडिया में एच टू ओ वॉटर है तो यूएसए में एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड है क्या नहीं ना अच्छा जापान में एच टू ओ मीथेन गैस है क्या नहीं साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओ एप्लीकेबल है जो मोलिकुलर फॉर्मूलाज है वो हर जगह हर कंट्री कोई भी अर्थ के जगह पे चले जाओ सेम है कहने का मतलब ये है कि साइंस कहीं पे भी एप्लीकेबल होता है इट इज द सेम इन एंटायर वर्ल्ड सिमिलरली अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखोगे तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट मैंने आपको क्या कहा मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर और इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस में मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है बेस्ट ऑफ द एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मेरे ना चाचा यूएसए में रहते हैं काफी सालों से मोर देन थर्टी ईयर से वो यूएसए में रहते हैं वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर है तो बहुत बार जैसे यूएसए से आते हैं तो वहाँ पे अलग अलग चीजें बताते हैं डेवलप कंट्री है तो यहाँ से पहले शुरू हो जाता है तो जब यहाँ पे अमेजोन नहीं था तो वहाँ की चीजें बताते थे बहुत कुछ बताते हैं तो एक बार वो हमें बता रहे थे कि में एक no question ask return policy होती है मतलब आज अब आपके पास वो जीन्स पड़ी है आपने सोचा अब इसकी तो फैशन चली गई अब मैं इसका क्या करूं तो आप वहां पे छह महीने बाद भी वो जीन्स जाकर रिटर्न या तो एक्सचेंज कर सकते हो इसमें कोई सवाल

है ना क्योंकि आज पहना कल एक्सचेंज तो क्योंकि एक ही दिन में बंद करके ताला का मौका यहाँ पे फर्क है तो जो पॉलिसी एक कंट्री में या जो एक मैनेजमेंट टेक्निक एक कंट्री में एक सिचुएशन में अप्लाई करती है वो तो दूसरी कंट्री में दूसरे सिचुएशन या लोग जिनका ह्यूमन बिहेवियर या सोच अलग है अप्लाई नहीं करता है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग जगहों पे अलग सिचुएशन में अलग बन जाता है इसीलिए उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है और हम कहते हैं दिस तो तो फीचर साइंस नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट तो टोटल तीन फीचर्स थे पहला फीचर प्रेजेंट था दूसरा आधा प्रेजेंट था तीसरा प्रेजेंट नहीं था तो डेढ़ यस और डेढ़ पॉइंट नो तो भाई कंक्लूजन क्या करूं वो तो बताओ तो भाई ऐसे केस में कंक्लूजन कहता है कंक्लूजन को प्लीज नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में और किताब में बहुत काम आता है कंक्लूजन क्या कहता है मैनेजमेंट इज अ साइंस बट

तो अगर आपको सवाल पूछते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है आपका जवाब होगा हाँ अगर आपको सवाल पूछते हैं क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है ना क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है ना क्या मैनेजमेंट इन साइंस है हाँ तो भाई ये शब्दों का खेल है इधर थोड़ा सा ध्यान देना मैनेजमेंट इज साइंस बट नॉट एग्जैक्ट और प्योर साइंस इन एंड सोशल साइंस क्लियर है बेटा सबके लिए किसी को कोई भी डाउट तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो वरना हम यहाँ पे आगे जाएंगे ए वी कैन नॉट से मैनेजमेंट इज पार्शियली साइंस लाभ द करेक्ट वर्ड इज सोशल और इन एक्सैक्ट क्योंकि साइंस एग्जैक्ट हो सकता है या तो इनएक्ट हो सकता है ये करेक्ट टर्म्स यूज करना इंपॉर्टेंट है ओके okay, लाभ रणदीप सोनी अप्लाइड साइंस नहीं बोल सकते हैं सोशल साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस सोशल साइंस का मतलब होता है नारू टो साइंस दैट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर सोशल साइंस का मतलब होता है साइंस दैट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर ओके चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विथ आर्ट ठीक है आर्ट के साथ हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे एंड अगेन पे करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं राइट आर्ट क्या होता है तो आर्ट एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे इसके ऊपर परफेक्शन लाने के लिए आपको बॉडी ऑफ नॉलेज

बट अगर आप यहां पे टाइगर श्रॉफ को रखो और यहाँ पे ऋतिक रोशन को रखो और दोनों जन अगर सेम स्टेप को यहां पे कर रहे हैं तो भी दोनों में डिफरेंस है हाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी आर्ट फॉर्म लेते हो एक तो आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है चाहे वो डांस हो चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो ड्राइंग हो कोई भी हो आर्ट फॉर्म को पहले सीखना पड़ता है उसके भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसकी भी डिग्रीज होती हैं, उनको पहले सीखना पड़ता है सीखने के बाद आर्ट को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस कौनसिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो ये जो डांसर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं डेली वो इनको प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर्स डेली प्रैक्टिस करते हैं ये प्रैक्टिस एंड स्किल्स इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है पप्पू का डांस डांसाला आप उसको कितना भी भाई डांस सिखा दो वो नहीं सीख पाएगा तो वो आप में वो स्किल होना जरूरी है तब आप उसको एक्सपर्टाइज कर पाओगे अगर वो स्किल है ही नहीं तो भाई आप ऋतिक रोशन नहीं बन पाओगे ओके okay, तो हम आर्ट के फीचर्स लेते हैं और आर्ट के फीचर्स को कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ टू सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट सबसे पहले आर्ट का फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज अगर मेरे को इसको लिखना है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो क्या मैं लिख सकती हूं जी हाँ आप लिख सकते हो ठीक है आर्ट में भी अलग अलग कोर्सेस अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे होते हैं अगर आपको सिंगिंग सीखना है अगर आपको ड्राइंग सीखना है अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है अगर आपको डांसर बनना है तो आर्ट में भी डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट इसकी किताबें यहाँ पे मौजूद होती है जिसके द्वारा आप यहाँ पे आर्ट को डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे सीख सकते हो अब ये चीज मैनेजमेंट में है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैनेजमेंट में भी डिफरेंट थ्योरीज है डिफरेंट किताबें हैं डिफरेंट कोर्सेस हैं तो जी हाँ पहला फीचर जो है सेम टू सेम एंड फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेज सॉरी ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ठीक है ये हम साइंस में भी पढ़ चुके थे तो बहुत आसान होगा इसको समझना अब बारी आती है सेकंड फीचर की सेकंड फीचर पे जाने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी यहाँ पे एक्टिविटी देती हूँ अगर आपके पास किताब और पेन है जो मैं उम्मीद करती हूँ होना चाहिए क्योंकि लेक्चर में नोट्स बनाना चाहिए बट बच्चों के जो हाथ है वो कीबोर्ड से हटे तब तो बुक पे जाए कोई दिक्कत नहीं तो जिनके पास किताब और पेन है एक सिंपल एक्टिविटी देती हूँ कि हम यहाँ पे मिलकर ड्रॉ करते हैं एप्पल ठीक है हम यहाँ पे मिलकर ड्रॉ करते हैं एप्पल आप भी ड्रॉ करिए मैं भी ड्रॉ करती हूँ तो चलिए भाई हम यहां पर मिलकर ड्रॉ करने वाले हैं एप्पल ठीक है तो ये मैंने ड्रॉ करा है एप्पल अब मेरे एप्पल में थोड़ा सा मोटा है उसकी डंडी यहाँ से शुरू होती है और उसमें दो लीव्स है हो सकता है किसी बच्चे ने जब एप्पल ड्रॉ करा तो एप्पल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा हो ठीक है जहाँ पे डंडी पतली है यहाँ पे एक लीफ है और यहाँ पे एक लीफ है इसी बच्चे ने यहाँ पे एप्पल की जगह थोड़ी सी दिल की बात करते करते एप्पल और स्ट्रॉबेरी का एक मेल मिलन बना दिया और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है ना ये नहीं का मतलब क्या है अगर मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ जहां पे हम सभी जन जो है सेम चीज को कर रहे हैं बट फिर भी करने का तरीका अलग होगा अलग होगा अब यहाँ पे लेटर से अगर आप मैगी बना रहे हो तो मैगी बनाते वक्त पहले मसाला जाएगा कि पहले नूडल्स जाएगा सबका तरीका अलग है कोई कहता है पहले पानी उबलेगा फिर मसाला फिर नूडल्स कोई कहता है पहले पानी उबलेगा फिर नूडल्स फिर कोई मसाला कोई कहता है भाई हम तो बड़े आलस है पानी मसाला नूडल्स सब एक साथ डाल दिया हो गया काम बना एक चीज रहे हो बट तरीका अलग आठ इसी तरीके से होता है अगर दो सिंगर्स है सेम गाना गा रहे हैं फिर भी तरीका अलग होगा अगर दो डांसर्स है सेम से चीज पे डांस कर रही है फिर भी यहाँ पे स्टेप या थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि आर्ट में हमेशा आपको देखने मिलता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सिमिलरली बेटा मैनेजमेंट भी होता है मैनेजर्स डेली अलग अलग सिचुएशंस एंड अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का या को कंप्लीट करने का या वर्कर्स से काम करने कराने का जो तरीका होता है वो मीठी, मीठी, बातें करके काम करा लेते हैं कुछ मैनेजर्स होते हैं जो वर्कर्स को लालच दिखा करके प्रमोशन मिलेगा इंक्रीमेंट मिलेगा बोनस मिलेगा ये कहकर काम कराते हैं कुछ मैनेजर्स काम कराने के लिए डर दिखाते हैं करता है कि निकालो हाँ देखो काम वही है बट कराने का या करने का जो तरीका है वो हर मैनेजर का डिफरेंट होता है इसीलिए हम कहते हैं जैसे आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन है वैसे ही मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है और इसीलिए ये फीचर ऑफ आर्ट भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो पहले दोनों फीचर टिक टिक हो गए ठीक है अब हम जाते हैं बेटा थर्ड फीचर के ऊपर जो कि है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी देखो बच्चा अगर आपको कोई भी आर्ट में मास्टर बनना है या कोई भी आर्ट में आपको स्पेशलाइज बनना है ना तो प्रैक्टिस एंड कुछ अलग करना इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी खुद का एक टच देना खुद का कुछ डिफरेंट करना इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज में अगर आपको माहिर बनना बेटा तो उसकी डेली प्रैक्टिस डेली उसको प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है काफी बार हम क्रिकेटर्स जो है कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं एक आईपीएल खेला तो करोड़ों मिल गया हम सब देखते हैं बट वो पाने के लिए वो सालों से डेली क्या करते हैं वो देखना हम भूल जाते हैं लोगों को सक्सेसफुल देखना आसान है बट सक्सेसफुल बनने की जो जर्नी होती है ना ये देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि सक्सेसफुल बनने की जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स होता है और यही वो फेलियर्स होते हैं जो आपको सिखा जाता है फेलियर्स में या तो आप रुक सकते हो झुक सकते हो या तो उसको एक सीढ़ी का कदम बनाकर आगे निकल सकते हो अब आपकी चॉइस है कि फेलियर को सीढ़ी का कदम बनाओ या फिर उसके सामने रुको और झुको ये आपकी चॉइस है जिंदगी में इसको याद रखना काम जरूर आएगा ठीक है एनी विच पे अगर मैं बात करती हूँ बेस ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो अगर आपको कोई आर्ट फॉर्म में लाना है आपको डेली प्रैक्टिस अपना कुछ क्रिएटिव लाना जरूरी है सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं मैम मुझे ना मैनेजर बनना है मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए देखो बेटा डिग्री करने से मैनेजर नहीं बन सकते अच्छा मैंने एमबीए कर लिया तो डायरेक्ट एक कंपनी में मैनेजर बन जाऊंगी नहीं क्योंकि मैनेजर बनने के लिए एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्सपीरियंस आता है काम करने से समय के साथ जितना आप एज अ मैनेजर या जितना भी आप कोई काम को एक्सपीरियंस करोगे जितना उसको ज्यादा करोगे जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको बेहतर करते जाओगे सिमिलरली एज अ मैनेजर आप जितने ज्यादा डिसीजन जितना ज्यादा काम करोगे उतने बेहतर आप मैनेजर बनते जाओगे क्योंकि जब भी हम गलत डिसीजन लेते हैं ना हम उसको याद रखता है और उसको नेक्स्ट टाइम हम रिपीट ना करें गलती हम ना दाराए ये ध्यान में रखता है और इसीलिए एक्सपीरियंस के साथ साथ आप एक बेहतर मैनेजर एक बेटर डिसीजन मेकर यहाँ पे बन जाते हो ये फीचर ऑफ आर्ट भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखा जाए तो फीचर वन टिक टिक फीचर टू टिक फीचर थ्री टिक तो आर्ट के तो सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो मैं बिना कोई सवाल और बिना कोई शंका यहां पे कंक्लूजन लिख सकती हूं और कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगी सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ Art are present in management. Management is called an art. तो भाई मैनेजमेंट साइंस भी है मैनेजमेंट आर्ट भी है बट मैनेजमेंट इनएक्ट या तो सोशल साइंस है प्योर या तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है क्लियर है किसी को बेटा कोई भी डाउट तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो वरना हम जाएंगे हमारे केस स्टडी के ऊपर अगर कोई भी डाउट है तो बेटा जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूछना है गीतांजलि प्योर आर्ट हमें नहीं लिखना है क्योंकि आर्ट में प्योर या इन एक्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं होता है वो सिर्फ साइंस में होता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट अगर साइंस की बात करें मैनेजमेंट इज अ साइंस इन एग्जैक्ट एंड सोशल साइंस प्योर एंड एग्जैक्ट साइंस नहीं है ओके

Because the nature of his job requires him to work in close coordination with all the department heads in the firm, Arjun finds that each department head has their own unique working style. The approach work they approach work very differently on daily basis. They typically approach a given circumstance, topic, or problem by combining their own experience, creativity, imagination, initiative. And ingenuity. In the the context of the preceding example, management 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 science management art profession study को solve करने का सही तरीका होता है उसके को पकड़ो इस केस में अगर मैं की की बात करू तो सबसे पहला की वर्ड यहाँ पे गिवन है कि हर एक डिपार्टमेंट हेड जो है कोई भी काम को अपने यूनिक वर्किंग स्टाइल में करता है मतलब काम को अलग अलग तरीके से करना पर्सनलाइज एप्लीकेशन साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड है क्रिएटिविटी जो कौन से फॉर्म में आता है आर्ट फॉर्म में हर एक चीज को करने का एक क्रिएटिव तरीका अपना तरीका याद है मैंने बताया था प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो ये जो दो फीचर्स है इनडायरेक्टली हाईलाइटेड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इसीलिए जी हां आप जो यहां पे जवाब दे रहे हो जैसे सुमित है या फिर रिम झिम है अंकित है लिरिक्स ऑफ म्यूजिक आरुषि पूजा जी हाँ द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट एक्सप्लेन करने के लिए आर्ट क्या है उसके तीनों फीचर्स एंड पे देना है हमेशा द फर्स्ट आंसर फाइंड आउट करना फिर एक्सप्लेनेशन तो आपको ब्रीफ आंसर ही यहाँ पे बन जाता है ओके चलिए बेटा आगे जाते हैं अब जाहिर सी बातें क्वेश्चन हो चुके हैं केस स्टडी को सॉल्व कर चुके हैं तो अब आता है दु... फेवरेट टाइम ऑफ द लेक्चर और वो है हमारा पोलिंग टाइम बट पोलिंग टाइम शुरू करने से पहले लेक्चर शुरू होके ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ पे हो चुका है एक घंटे से ज्यादा ही हो चुका है तो फटाफट यहाँ पे चेक चेक जोश से किया जाए तो भाई पोल करने से पहले जल्दी से जल्दी बताना है।, है जोश क्योंकि सुपर हाई जोश है तभी तो, तो पोल करने में आता है असली मजा

चार ऑप्शन से पहला ऑप्शन कहता है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी क्रिएटस अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इस स्टेटमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड है यह आपको बताना है भाई बहुत ही सिंपल है मैंने जो फोन का एग्जांपल दिया था ना उसके बाद अगर ये भूलोगे ना नहीं चलेगा मेरे दोस्त जब भी ये क्वेश्चन आए ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना तो फटाफट ऐसे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए फोन का एग्जाम्पल ठीक है चलिए भाई वरना पता चले एग्जाम्पल याद है कंसेप्ट भूल गए हो गया तेरी ताँग ताँग फिश ऐसे कैसे चलेगा चलिए बहुत ही बढ़िया अगर यहां पे हम कहते हैं एनी चेंजेस और चेंजिंग एनवायरमेंट या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग तो जी हाँ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पे management workers को मदद करता है कि जो भी changes है उसको एक्सेप्ट करें जो भी environmental changes हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं उसके मुताबिक वो भी अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर पाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है द करेक्ट आंसर ये 84 परसेंट तो ठीक है ये बाकी के जो सोलह टका ना भाई ये दुनिया ये दुनिया दी क्या ही तो करे कहा हो तुम तो भाई ये पित्तल की दुनिया में अगर बेबी डॉल सोने दी बनना ना तो थोड़ा सा लेक्चर में ध्यान दे दो ध्यान दे दो भाई ठीक है चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स कहता है मैनेजमेंट इज डैश मैनेजमेंट इज एन आर्ट मैनेजमेंट इज ए साइंस बोथ आर्ट एंड साइंस ठीक है मैनेजमेंट क्या है आठ है या साइंस है या दोनों है या कुछ भी नहीं है ये आपको यहां पे बताना है और आपका समय शुरू होता है अब अगेन जल्दी से जल्दी बता रहे मेरे दोस्त अब पित्तल दुनिया में सोने की बनना है कि नहीं बनना है क्या बात है

अब यहाँ पे ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू अब इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है बताइए मैम सी क्योंकि अब तक सब कुछ सी था तो अभी सी को पकड़ के बैठ जाएंगे अरे क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन बी प्रोबेबली तो भाई अभी फाइनली कौन करेगा? में प्रोपेवलिटी भाई अभी कौन करेगा? में में ठीक है नहीं तुम टीचर को बोलोगे देखो बी भी लग रहा है सी भी लग रहा है अब आप चुन लो ट्रू और पे ट्रू स्लैश फॉल्स जो आपको सही लगे ले लो ए भाई एक ही आंसर लिखना होता है प्रोबेबली नहीं चलता है भाई चलो तो, 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 तो यहां है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी मैनेजर यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स पर्सनल करने का हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है करेक्ट है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स दोनों के ऊपर फोकस करता है बताता है लेकिन क्या ये दोनों में कनेक्शन है मतलब मैनेजर्स की यूनिक स्टाइल होती है क्योंकि वो ग्रुप गोल्स और पर्सनल गोल्स दोनों के ऊपर फोकस करते हैं नहीं मैनेजर्स की यूनिक स्टाइल होती है क्योंकि हर मैनेजर का काम करने का अपना अलग तरीका होता है एक्सप्लेनेशन गलत है तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो चलिए भाई सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर चुके हैं ठीक है होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको केस स्टडी के तौर पे दिया है उम्मीद करती हूं कि नेक्स्ट सेशन में मुझे ज्यादा यहाँ पे दिल मिलेंगे और कम यहाँ पे मुझे जो है चौकड़ी मिलेगी तो भाई करके आना थोड़ा होमवर्क आपके ही प्रैक्टिस के लिए है ठीक है आज के सेशन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंड फर्दर चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे लेकिन जाहिर सी बात है भाई हम जिसके लिए जीते हैं जिसके लिए यहाँ पे पोलिंग करते हैं वो तो जरा देखा जाए तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट प्लेस पे वी, हाँ देन वी हाँ योगिता, शास्वत, आभास अभिराज शुभदीप प्रथम एंड शिवम ये आज मैं ज्यादा खुश इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे गुमनाम बेनाम नारूटो डोरीमान मैं कौन छोटा डॉन कुछ नहीं है सारे असल नाम है देखो ये भी एक लग्जरी है लेक्चर लेक्चर्स लेक्चर में ठीक है बट लक्ष्मी आज मुझे नहीं दिखी जो लास्ट टाइम फर्स्ट प्लेस पे थी सरप्राइजिंग एनिविच सारे बच्चों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेन उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे होमवर्क करके जरूर आओगे क्योंकि वो आपके ही प्रैक्टिस के लिए है बाकी हम तो उसको सॉल्व करेंगे ही, ही करेंगे आज के लिए यहीं पे अलविदा लेती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलेंगे हाउ टू मेक नोट्स और टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा उसको जरूर देखिएगा। लेकिन आज के लिए यहीं पे बाय एंड सी यू सून